वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों तेजू प्लीज वन मिनट मेरी सुन ले यार, चल जल्दी बता क्या कह रहा हूँ। तू भी रमन कर रहा हो, इतनी तेज मत बोल, लोगों की समझ में आने की, लोगों को बहुत अच्छी करे, प्योर से समझाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। चल ठीक है, तो धीरे धीरे समझा देता हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो यूपी वाला और आज हम बात करने जा रहे KGF चैप्टर 3 के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों KGF जो कि अपने आप में एक ब्रांड है एंड इसकी जो शुरुआत होती है साल 2019 से होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट रिलीज किया गया था साल 2019 में रिलीज किया गया था दोस्तों, बात तो सही है। एंड इस मूवी ने रिलीज होते साउथ इंडस्ट्री को काफी हाई लेवल पे पहुंचा दिया दोस्तों। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा काय को बोल लिया हूँ, तो चलिए वो भी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, साउथ में इससे भी पहले काफी अच्छी मूवी बनाई जाती थी, लेकिन कुछ एक्शन मूवी भी थी जिसमें अल्लू अर्जुन काफी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आते थे। लेकिन इसके बाद जो KGF पार्ट 1 रिलीज किया गया था, इसमें एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ तो एक्टिंग जो थी वो भी काफी अच्छी थी। इस मूवी में एक्शन तो काफी ज्यादा मात्रा में था जिसने लोगों का दिल जीत लिया और ये साउथ इंडस्ट्री में एक और सुपरस्टार की एंट्री हुई जिसे हम रॉकी भाई के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में एक चीज और घूमनी चालू होगी कि रॉकी भाई तो काफी लंबे समय से साउथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से अपने यश भाई साउथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिली थी जो इन्हें KGF पार्ट 1 से मिली है। तू समझा? क्योंकि दोस्तों KGF पार्ट 1 ने रॉकी भाई को रातों रात स्टार से सुपर स्टार बना दिया था। तो इसी के चलते इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।